दोस्तों अभी मैं आया हूँ जहांगीर महल के अंदर। ये ग्वालियर किले के अंदर ही बना है और मैं आपको एक एक पॉइंट करके ग्वालियर किले को पूरे को कंप्लीट कर दिया है। मानसिंह प्लेस, सास बहु मंदिर, करण महल, विक्रम महल, लिखा मंदिर, गुरुद्वारा, इस प्रकार हमने सभी एक एक पॉइंट को कवर कर लिया है। अब लास्ट पॉइंट बचा है सांझा का महल और जहांगीर का महल, ये हम आज एक्सप्लोर करने वाले हैं और पास ही में बने जौहर कुंड और तोपखाना भी दिखाने वाले हैं। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। अब हम जाने वाले हैं जहांगीर महल के अंदर। यहां से जौहर कुंड और तोपखाना को भी आसानी से देख सकते हो। आप ये देख रहे हो सामने, यही है जौहर कुंड और ये है तोपखाना। इसके अंदर तोप बनती थी और इसके अंदर रानियां थी, वो सभी के सभी चंदन डालकर इसके अंदर अपने आप को जौहर कर लिया था। अभी हम जहांगीर महल के सबसे टॉप में आ चुके हैं। दोस्तों जो आप मेरे पीछे देख रहे हो यह है जौहर कुंड, इसी के अंदर रानियों ने लकड़ी डाली थी और अपने आप को जौहर किया था। दोस्तों यहाँ पर तोप गोले बारूद बनते थे, इसलिए इसको तोपखाना बोलते हैं और इसके पास में ये जौहर कुंड है।